इमरान खान दब गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही किसी सूरत शहबाज शरीफ को नहीं देंगे। बड़ा फैसला वजीर आजम की जेर सदारत पार्लियामानी पार्टी इजलास में किया गया। अपोजिशन लीडर के अलावा हिजब इख्तलाफ के किसी और रुकन को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बना जा सकता है। वजीर आजम का कहना था बिला तफरीक एहतसाब ही नए पाकिस्तान की बुनियाद है। एनआरओ नहीं मिलेगा, एहतसाब कौमी तरजीह है। एहतसाब के बगैर जमहूरी अमल कामयाब नहीं हो सकता। तुर्की याफ्ता तरक्की याफ्ता ममालिक में आवाम के पैसे की जान से ज्यादा हिफाजत की जाती है। सरदार उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बने, 70 दिन बीत गए। जनूबी पंजाब के आवाम वज़ीर आला की आमद के मुंतजर। जनूबी पंजाब के अमायदीन और बड़े भी वज़ीर आला से मुलाकात करने लाहौर जाने लगे। आवाम की वज़ीर आला तक रसाई मुमकिन न हो सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एपीसी में शिरकत की तस्दीक कर दी। कहते हैं वो और पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के एपीसी में जरूर शिरकत करेंगे। निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास आज होगा। वजीर निजकारी मियां मोहम्मद सुमरो की जेर सदारत इजलास में 5 साल निजकारी प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में निजकारी के लिए सरकारी इदारों की फहरिस्त पेश की जाएगी। के इलेक्ट्रिक की निजकारी की मंजूरी भी दिए जाने का इम्कान। क्या नया पाकिस्तान ये है, ऐसे नहीं चलने देंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आईजी पुलिस इस्लामाबाद का तबादला रोक दिया। वजीर आजम ने जुबानी हुक्म देकर आईजी को हटवाया। अटॉर्नी जनरल की अदालत में रिपोर्ट। वजीर आजम को बता दें उनका हुक्म मौकल कर दिया है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नए खैबर पख्तूनख्वा ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को आज तलब कर लिया। तलबी ज्यादा सासे बनाने के इल्जाम में की गई। कैप्टन सफदर पर हजारा में कई ठेके मनपसंद अफराद को दिलाकर खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आज सिंध में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सिंध के कई जिला में डबल सवारी पर पाबंदी। कराची और दीगर शहरों में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद होगी। आज रावलपिंडी और दीगर शहरों में भी तातीली इदारे बंद। और हजरत दादागंज बख्श के उर्स की तकरीबात आज खत्म हो जाएंगी। लाहौर में आज मकामी तातील होगी। तकरीबात के दूसरे रोज महफिल समा हुई। मुल्क भर में जायरीन की आमद।